हे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चली होगी आपकी स्टडी। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं चैप्टर शॉर्ट सीरीज जो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, बना रहे हैं क्लास टेंथ का। तो हम लोगों ने इसका दो पार्ट बना लिया था, अभी हम लोग तीसरा बनाने वाले हैं, ठीक है। ये तीसरा पार्ट जो है आपके मैथ का, और इस पार्ट में हम इस चैप्टर के सारे झंझट को खत्म कर लेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, इस चैप्टर में हम सारे झंझट खत्म कर लेंगे, यानी कि कल जो हमारा क्लास आएगा तो वो अगले चैप्टर से होगा। इस वीडियोस में हम इस चैप्टर को पूर्णतया समाप्त करेंगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले क्या करता हूं कि यहां पे प्रश्न लिख लेता हूं, ठीक है। तो चलिए लिखना प्रारंभ करते हैं। तो माय डियर, चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करा, एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी कि जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तब बाघ की बीमाएं ज्ञात करें। यानी कि बाघ की जो है बीमा ज्ञात करना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माय डियर, चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पे हम लिख लेते हैं माना कि, ठीक है, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई, ठीक है, हम मान लेते हैं आयताकार बाग की चौड़ाई कितना मीटर मानेंगे, x मीटर मान लेते हैं, ओके। चलिए अब जो है बाघ की लंबाई, ठीक है, फिर आप लिख लीजिए माना कि आयताकार बाघ की लंबाई, ठीक है, आयताकार बाघ की लंबाई, जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितना है, चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि x प्लस 4 मीटर है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गए आपके लंबाई और ये हो गए आपके चौड़ाई, ठीक है माय डियर। अब आपको इस प्रश्न को हल करना है, यानी कि इसका क्या निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा, ठीक है। तो प्रश्न से लिखिए, यहां पे प्रश्न से अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो हमने लंबाई कितना माना था, x प्लस चार, ठीक है, और चौड़ाई कितना माना था, x। चलिए अब इसको जोड़ दीजिएगा, तो x और x को जोड़ दीजिएगा तो 2x हो जाएगा और प्लस 4 के 4 हो जाएगा। ये हुआ आपका क्या, अर्ध परिमाप। इसको समीकरण 1 रहने दीजिए, ठीक है। अब पुनः प्रश्न में आइए, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। पुनः प्रश्न से देखिए, सूत्र हम फिर से लिखेंगे, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर, तो यहां पे हम लिख लेंगे 36 मीटर बराबर में लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई की है तो कितना आया है हमारा आंसर, 2x प्लस 4, ठीक है माय डियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस 4 है, इसको हम यहां पे ले आते हैं, बगल में लेकर आते हैं, तो 36 माइनस 4 बराबर 2x, 36 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा माय डियर, 32, ठीक है, 32 बराबर 2x। अब आपको सिंपली क्या करना है, x का मान छांट लेना है, तो x का मान छांटिएगा तो 32 और बटे में 2, यानी कि 16 दूनी 32, क्या हो गए, x बराबर 16, ठीक है, x बराबर 16, यानी कि चौड़ाई हमारा कितना प्राप्त हुआ माय डियर, 16 मीटर, ठीक है। जब x बराबर 16 मीटर हुआ तो चौड़ाई कितना है हमारा, x से 4 ज्यादा है, तो x है 16 और इसमें 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 20, यानी कि माय डियर आपका जो है चौड़ाई हो गया 16 मीटर और लंबाई कितना हो गया, 20 मीटर। यही चीजें आपको प्राप्त करनी थी इस क्वेश्चन में, देखिए कितना आसान था, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब इसको पढ़ करके समझते हैं, ठीक है। क्या करा, किसी त्रिभुज के 3 कोण
एक्स कोण, वाई कोण तथा 40 डिग्री है। त्रिभुज का तीन गो कोण होता है ना, तो एक एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा 40 डिग्री है। तो दो कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 है और एक्स और वाई के बीच में जो कोण आएगा ना उसका अंतर 30 डिग्री है। तो एक्स तथा वाई कै डिग्री का होगा, ठीक है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के ए सेट के पहले में पूछा था और 2022 के ए सेट के पहला सिटिंग में इसमें भी पूछा था, यानी कि ये दो साल प्रश्न पूछा गया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद योर लक हो सकता है 2023 में भी आ जाए, है ना। तो चलिए बना करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है किसी त्रिभुज के तीन कोण एक्स वाई तथा 40 है। तो माय डियर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस y प्लस 40 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखिए 40 नंबर है तो इसको हम उधर तो ले ही जा सकते हैं, यानी कि x प्लस y बराबर 180 डिग्री, प्लस 40 है इधर आ गया तो माइनस 40 डिग्री, ठीक है। यानी कि x प्लस y बराबर 180 में से 40 घट गया तो कितना हो गया 140 डिग्री। ये हो गए आपके समीकरण एक, ठीक है। ये पहला मुद्दा हुआ। अब दूसरे मुद्दे में क्या कह रहा है, x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे पुनः प्रश्न से लिखिए, पुनः प्रश्न से, ठीक है। x तथा y के बीच का अंतर कह रहा है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितने कह रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। चलिए तो इसको घटाते हैं, लिखना पड़ेगा समीकरण एक घटाओ दो से, ठीक है। समीकरण एक में से समीकरण दो को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लिखते हैं, हमारा समीकरण एक कितना है x प्लस y बराबर 140 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा समीकरण एक। समीकरण दो है हमारा कितना, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, ये है हमारा समीकरण दो। इसको क्या करना है, घटाना है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस हुआ तो कट गया, ये प्लस हुआ तो ये 2y हो गया, ये माइनस हुआ तो 110 डिग्री हो गया। अब y बराबर छांट लेंगे तो 110 डिग्री बटा 2, यानी कि 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कितना है, y बराबर 55 डिग्री, ठीक है माय डियर। 550 लग रहा है ना, 55 डिग्री। अब ठीक है, देखिए अब y का मान आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, y के मान को समीकरण एक में डालना है। तो चलिए हम यहां साइड में डालते हैं, ठीक। यहां पे हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। y का मान किसमें रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक है x प्लस y बराबर 140 डिग्री, ठीक है। तो y की जगह पे आपको 55 डालना है, तो x प्लस 55 बराबर 140 डिग्री, ठीक है। अब x बराबर हम छांटेंगे, ठीक है। तो ये प्लस 55 है इधर आया तो माइनस 55, ठीक। अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 5 गया नहीं जाएगा तो 13 में से 5 गया तो 8 5 13, ठीक है। x बराबर हो गया 85 डिग्री। माय डियर y 55 और x 85, तो देखिए 85 55 के बीच का अंतर 30 है ना, यानी कि आपको x और y ज्ञात करना था ना। तो माय डियर देखिए x आपका कितना आया 85 डिग्री, देखिए, और y कितना आया आपका 55 डिग्री, यानी कि आपको दोनों एंगल पता चल गए। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए x इक्वल टू 85 डिग्री, y इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। ये हो गए आपके आंसर, ठीक है माय डियर। आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो भी कंफ्यूजन था हम लोगों ने हल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए इसी बात पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।